नमस्कार। आज बात करेंगे कि किस प्रकार महाविद्याएं माता पार्वती जी से प्रकट हुई। इस कहानी में जब महादेव शिव और माता पार्वती पहाड़ों में माता पार्वती जी के पिताजी के घर पर रह रहे होते हैं, तो एक दिन महादेव शिव ये डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर माता पार्वती उन्हें रोकती हैं, लेकिन महादेव शिव फिर भी जिद करते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करती हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो माता पार्वती 10 महाविद्याओं का रूप लेकर अपने घर के 10 दरवाजे रोक देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं और महादेव शिव वहाँ से नहीं जा पाते। इस कहानी का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जो घर है वह इंसान के शरीर को रिप्रेजेंट करता है और जो 10 दरवाजे हैं वह शरीर की 10 ओपनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। महादेव शिव का वहाँ से जाना यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक इंसान अपनी इच्छा से अपनी इंद्रियों में खो जाना चाहता है और बाहरी दुनिया में रम जाना चाहता है। अगली कहानी में बात करेंगे कि किस प्रकार महाविद्याएं माता काली जी से प्रकट हुई। थैंक यू।